अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लईक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़रगुनी मस्जिद पिशावर में। ज़रगुनी मस्जिद पिशावर जो कि पिशावर की खूबसूरत तरीन मस्जिद है, वहाँ रमज़ान में हर शाम अफ्तारी का अहतमाम होता है। तो चलें आए देखते हैं यहाँ आज अफ्तारी में क्या सर्व किया जा रहा है और यहाँ क्या माहौल है। चलें आए देखते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, ये हमारा बावर्ची है ये। अच्छा माशाल्लाह, चावल पकाए, गोश्त पकाए। अच्छा चावल गोश्त है, चावल पकाए, गोश्त पकाए, चालू गोश्त। हाँ चालू गोश्त। अच्छा इसमें गोश्त भी है, चावल है, सादे चावल। अच्छा मेवा चावल। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़रगुनी मस्जिद के खादिमैन में से आते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पर रोज़ाना मतलब अफ्तारी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई 4-5 सालों से हम रेगुलर बेस पे दे रहे हैं। पहले शुरू में हमारे पास तादाद बहुत कम होता था, चूँकि इस साल जो है हालात बड़े गंभीर हैं। अच्छा, और हर मकतबे फिक्र के लोग आ रहे हैं। तो आप ये समझे कि इस दफ़ा जो है ना, जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, इस साल कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हर किस्म के लोग हैं, जितना हम देख रहे हैं, बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चों तक हर कोई मौजूद है। कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, तो कोई यहाँ पे भीख मांगने वाले हैं, तो कोई मलंग टाइप लोग है। तो समझे हमने यहाँ बहुत बड़ा सवाब है किसी का रोजा करवाना। और इसमें जो सुकून हम लोगों को मिलता है ना जी, वो इसमें बेशक होता है ना, अल्लाह की तरफ से होता है। एक तो होता है ना कि बंदा कहे कि जी आप हमारे घर में कोई 3-4 मेहमान आते हैं, तो हम लोगों को कितनी को वो होती है कि जी 3-4 मेहमानों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। और आप समझे यहाँ पे हमारे पास कम से कम 450 बंदा है यहाँ से होके जाता है। और ये सारा इनको ए से जेड सेटल करना, हमारे अगर हम खादिमीनों की बात की जाए तो हमारे तकरीबन 8 से 10, 12, 15 बंदे जो है ना इसकी खिदमत में होते हैं। क्योंकि पीछे तो किचन की खिदमत में जो लोग होते हैं लंगर में, वो तो तकरीबन यहाँ पे होते हैं। जो मेन हमारे खिदमत वहाँ पे लगी होती है, खादिमीन कर रहे हो, तो वो तकरीबन 8 से 10 बंदा होता है। तो सर ये रोजाना के हिसाब से आपका मेन्यू चेंज होता है? रोजाना के हिसाब से होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हम हर रोज ना तो हम गोश्त करवा सकते हैं, ना तो हर दिन हम दाल करवा सकते हैं, ना हम सब्जी करा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है कि हर एक दिन जो है ना सब्जी का होता है, तो एक दिन दाल लोबिया वगैरह का होता है, और एक दिन चावल या गोश्त या कीमा वगैरह होता है। तो रोजाना आपकी टोटल मतलब डिशेस कितनी होती हैं हर दिन के हिसाब से? हमारी हर दिन की डिशेस जो होती है, अगर आप खाने में पूछ रहे हैं, तो हमारी दो ही डिशेस मेन कोर्स में होती है। एक सालन होता है और एक वैसी काबली पुलाव हो गया, या आप कह सकते हैं कि वो हो गया काबली पुलाव या बिरयानी हो गया या वगैरह, इस तरह से हो जाता है। बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह की दी हुई एक तौफीक है, वरना तो वो कहते हैं कि रमजान की रातों में फरिश्ते जो है, अगर आप किसी का रोजा खुलवाए ना, रातों में आपके लिए दुआएं करते हैं। बेशक बेशक बेशक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस
دل دراسه دوه کسان تاسو له تیر شي वाकई यार बहुत ही शानदार खाना था, सादा खाना था, दो तीन डिशेस थी और लजीज, साफ और शानदार। मजा आया खाने का? मजा आया भाई, होगा होगी, पेट भर गया माशाल्लाह। हाँ पेट भर गया, पेटा डक शो भर गया। अच्छा तो पिछनेमी तक तो कुछ नहीं होगा, पिछनेमी के बाद सैरी तक जरूरत नहीं है। नहीं कुछ पानी के बाद, चाय के बाद। चलो यार नमाज का टाइम हो गया, नमाज बचाना है मैं।